जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। वैसे तो डेली रूटीन में ही हमारे पास बहुत सत्संग होते हैं गुरु जी के, बट गुरु जी ने हमें जोड़ा था 2006 में। हम भी नहीं जानते गुरु जी ने इनफैक्ट हमको कब जोड़ा था, बट जब से हमने जाना शुरू किया था इन 2006 एम्पायर स्टेट में, जहाँ गुरु जी का छोटा मंदिर है, वहां पर उस टाइम पर बहुत कम संगत आती थी। पहले हार्डली 100-200 संगत ही होती थी उस टाइम पर। तो तब हमें किसी ने बताया था, तो हमने वहां पर जाना शुरू किया था। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है एक्चुअली, तो जब हम वहां पे फर्स्ट टाइम गए थे, तो वहां पे जब मेरी मदर ने गुरु जी के, पहले तो आप गुरु जी से आई कांटेक्ट आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज उनके फेस पे इतना नूर होता है, इतना इतना ग्लो होता है कि आप उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। गुरु एक महाशिव से आप आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। और जब मेरी मदर ने उनके माथा टेका वहां पर, तो गुरु जी ने उनको बहुत जोर से डांटा कि जा चली जाए तो, जैसे गुरु जी ठेठ पंजाबी में बोलते थे, जा चली जाए तो मेरी मदर बाहर आ गई थी। तो वहां मेरे पापा भी बाहर ही बैठे हुए थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम उनको ऑपरेशन हुआ था, तो वो बाहर ही बैठे हुए थे। बाहर जैसे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं एम्पायर स्टेट में, तो उधर ही बैठे थे वो। तो मम्मी बाहर आके रोने लग गई थी कि फर्स्ट टाइम ऐसे आए हैं, किसी ने बताया था, और आते ही गुरुजी ने सबके सामने बेइज्जती कर दी है कि, और सबके सामने डांट दिया ऐसे। तो मम्मी बहुत रो रही थी वहां पर बाहर बैठ के। लंगर आया, लंगर किया, चाय प्रसाद वगैरह सब दिया। तो बाय चांस वहां पे कोई आंटी आई वहां पे, तो उन्होंने मेरी मदर से पूछा कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम फर्स्ट टाइम आए थे और गुरुजी ने बहुत जोर से डांट दी है। तो आंटी ने उनको समझाया कि गुरुजी ने आपको नहीं डांटा है, जो आपके ऊपर बुरे कष्ट आए हुए थे, जो बुरे कर्म आए हुए थे आपके ऊपर, वो गुरुजी ने उनको भगाया, आपको कुछ नहीं बोला। अब फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में इतना इतना नहीं बिलीव कर सकते किसी भी गॉड पे। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मम्मी दोबारा गई डरते डरते उनके पास कि कहीं गुरुजी दोबारा ना बोल दे आज्ञा लेने के लिए। बट दोबारा जब माथा टेका, तो गुरुजी ने मम्मी को बोला कि अगली बार आई तो लोटा लेके आई। कि गुरुजी एक लोटा देते थे ब्लेस करने के लिए, ब्लेस करवाते थे उसपे, कि और वो भी सबको नहीं मिलता था, जिसपे गुरुजी चाहते थे, जो गुरुजी करवाना चाहते थे सिर्फ उन्हीं को लोटा ब्लेस करवाते थे। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम गए थे, तो उसके बाद लोटा लेके गए थे, तो गुरुजी ने मेरे फादर को एक्चुअली लोटा ब्लेस करके दिया था कि उसमें से आधा लोटे का जो जल होएगा वो आप पी लेना, और आधा अपनी नहाने की बाल्टी में डालेना, और वो आज तक चल रहा है वो लोटा। ये गुरुजी ने हमको दिया था 2006 में, खुद अपने हाथों से ब्लेस करके गुरुजी ने जो लोटा प्रसाद दिया था हमको। ऐसे ही गुरुजी के बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं हमारे साथ डेली रूटीन में। जैसे जो हमें पता, मतलब हमें लगता है कि गुरुजी हमें देख नहीं रहे हैं। जैसे एक प्रोवर्ब भी है कि हम अच्छे कर्म करें तो गुरुजी हमको देख, हम बुरे कर्म करें तो गुरुजी हमको देख नहीं रहे, और अच्छे करें तो देख रहे हैं। तो जैसे अब हम शिरडी गए थे, मैं अपनी फैमिली के साथ, इन लॉज के साथ मैं शिरडी गई थी वहां मंदिर में। तो वहां पे जैसे पंडित जी वगैरह खड़े हुए थे ऊपर, उस टाइम हमारे यहाँ पे घर बन रहा था। अब उन्होंने मेरे को वहां पर, जैसे मैंने माथा टेका, उन्होंने मुझे बोला, उनको कैसे पता था नहीं तो, उन्होंने मुझे बोला ये फूल ना अपने नए घर में चढ़ा दियो, भगवान एक ही है, चाहे वो साईं बाबा हो, शिरडी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, गुरु एक ही है, सिर्फ उनके रूप अलग अलग है। मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं आपका नया घर जो बनेगा ना, उसमें आप ये फूल रख देना। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि इनको कैसे पता चला कि हमारा घर बन रहा है, और घर बनने के टाइम पर जो पूजा होता है या हवन होता है, तो उसमें नया फूल रखने हैं या फूल चढ़ाने हैं। मैंने उनसे दो बारी पूछा, उन्होंने दोनों बारी मुझे यही रिप्लाई किया था। तो गुरुजी ने वहां पर बैठे भी दर्शन दिए थे शिरडी में भी, क्योंकि अब तुम कहीं पर भी चले जाओ, सिर्फ मुंह से यही निकलता है जय गुरु जी, या गुरु जी का मंत्र जाप निकलता है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेसिंग्स दिया है। मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था 2007 में। आई मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट, कि मतलब बस आप ये लगा लो कि गुरुजी ने ही बचाया मेरे को, जो बचाया है। और वो एक्सीडेंट भी ऐसा था कि मैं अपने ब्रदर के साथ आ रही थी, तो जैसे बाइक पे थे हम, तो पीछे से मेरे बैग में, मेरे हैंड में हैंड बैग था बड़ा सा,
कोई दो बाइकर्स थे पीछे, तो मेरे हैंड से खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके साथ मैं भी पूरे रोल होके फ्लाईओवर से नीचे गिर गई थी, जैसे मूवीज में होता है कि वो सारा ब्लडी ब्लड पड़ा होता है, ऐसे पड़ा होता है। एंड कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं था, कोई भी, क्योंकि उस टाइम 10:30 का टाइम था, तो ट्रक वगैरह का सबका टाइम था। अचानक से एक टेम्पो आके रुका, उसने हमको, मेरे को उसमें टेम्पो में लिटाया, और मेरे ब्रदर मेरे साथ था, मतलब बाइक पे था वो, तो उसने हॉस्पिटल छोड़ा टेम्पो वाले ने, और लिटरली वो बाहर छोड़ के चला गया। उसको नहीं पता कि कौन है क्या नहीं है, जब तक सारी फैमिली आ रही थी, सब था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, आई थिंक शाम के टाइम या कुछ घंटों बाद उसी टेम्पो वाले का फोन आता है मेरी मदर के पास कि मैं अभी जिस लड़की को ड्रॉप करके गया था वो ठीक है अब। और हम नहीं जानते उसके पास मेरी मदर का नंबर कैसे आया या कैसे उन्होंने कांटेक्ट करने, जो टेम्पो ड्राइवर जो बाहर छोड़ के चला गया, जो हम जानते तक नहीं थे जिसको, और उसने मेरी मदर को फोन करके पूछ रहा है कि वो जो लड़की अभी मैं छोड़ के गया था वो ठीक है अब, क्या हुआ था उनको। ये है गुरुजी की महिमा कि गुरुजी खुद आए और उन्होंने मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया और ठीक भी किया। नहीं तो वहां पर तो डॉक्टर ने पहले तो जवाब ही दे दिया था कि नहीं हम नहीं ठीक कर सकते हैं इनको, क्योंकि मेरे को बहुत मेजर लगी थी, बट गुरुजी ने ही मेरे को बचाया और गुरुजी की ही पूरी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। एंड एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी मैं आपको। जैसे लोहड़ी पे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी, जैसे हम बस वगैरह से भी जाते हैं कभी कभी गुरुजी के मंदिर, जैसे बिफोर कोरोना, तो वहां पर हम लोहड़ी पे सत्संग पे जा रहे थे, सारे बस की सारी संगत थी, तो हम ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे कि मंडे का दिन था कि हमें तो आज लोहड़ी मिलेगी वहां पे गुरुजी के मंदिर में। तो वहां पे मंडे को चाय प्रसाद ही होता है, तो मैं फंक्शंस वगैरह पे कम ही जाती हूँ वैसे, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है, तो इसलिए फंक्शंस वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। पहले जाते थे बट अब अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। तो उस टाइम हमने कहा, वो आंटी ये कहती है कि नहीं, वो जो मूंगफली और रेवड़ी वगैरह होती है ना, वो उसी टाइम ही ना वो पॉलिथिन में ही ना पैक करके दे देते हैं वो। मैंने कहा अच्छा। तो जब हमने चाय प्रसाद वगैरह ले लिया, मत्था वगैरह सब टेक लिया, सारी चीजें कर ली, तो उसके बाद जब हम बाहर आ रहे थे जहां पे एग्जिट लाइन है, जब जूते वगैरह हमने पहन ली, एग्जिट लाइन है, तो एक अंकल पीछे से आए और मुझे कहते जय गुरुजी आंटी, और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी की रिंग पकड़ा दी। मतलब सीरियसली आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा अंकल ये क्या है, तो अंकल ने आगे से बोला जय गुरुजी। और मतलब मेरे को तो 2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या एक्चुअली में, कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैं गुरुजी को बोल रही थी मजाक में कि गुरुजी आपने तो आज लोहड़ी देनी पड़ेगी, जैसे पंजाब में भी होता है कि सब लोहड़ी मांगने जाते हैं और सबको लोहड़ी देते हैं, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने सच्ची में वाकई में एक हमारी विश पूरी कर दी है अपनी रिंग देकर। ऐसी जैसे गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मनो। मेरे आगे जो आंटी अंकल चल रहे थे वो भी हमारे बस के थे, तो उन्होंने ना अंकल को बोला कि अंकल आपने उनको रिंग दिया है तो आप हमें भी दे दो। तो अंकल ने उनके बोलने पे दे तो दी उनको रिंग, लेकिन वो आंटी कहती हैं कि ना मेरे हाथ में तो ना पूरी नहीं आ रही है, तो ना आगे अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे दी। और लूज मुझे भी थी, बट मैंने उसको फिर टाइट करवा लिया, बट आंटी ने उससे मांग तो लिया बट उनकी वो ब्लेसिंग्स नहीं थी, तो उन्होंने अपनी आगे ब्लेसिंग्स किसी को पास कर दी। तो गुरुजी कहते हैं मेरे पे विश्वास करो, मेरे से कुछ भी मांगो मत, मेरे पे यकीन करो। आप मानोगे, मैं अपनी एक कजन का सत्संग सुनाना चाहूंगी। मेरी कजन का 6 ईयर से बेबी नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी, सारे जैसे बोलते ही आस पड़ोस वाले फैमिली रिलेटिव्स वगैरह सब बोलते थे कि कब करना है कब करना है कब करना है, उसका बेबी हो ही नहीं रहा था। वो इतना रोती थी गुरुजी के आगे कि कब होगा कैसे होगा। फिर लास्ट ईयर जब उसकी मैरिज को 5 ईयर्स हो गए थे, शी गॉट प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट में 2 महीने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया, और उसके बाद वो इतना रोई गुरुजी के आगे कि इतनी मुश्किल से एक तो आपने बेबी दिया और उसके बाद भी मिसकैरेज हो गया। फिर जब उसका मिसकैरेज हुआ, उसके ब्रदर के ड्रीम में गुरुजी आए और गुरुजी उसको बोलते हैं कि अपनी बहन ने बोली कि रोए ना, मैंने उन्हों मुंडा पे कुड़ी ब्लेस किता हैगा। और दिसंबर में उसका मिसकैरेज हुआ था, जनवरी में अगेन शी गॉट प्रेग्नेंट, और अब उसके 1 साल के दोनों बेटा बेटी हैं, एंड शी दे आर सो ब्लेस्ड
मैं आपको बता नहीं सकती, वो वाकई में गुरु जी के दिए हुए बच्चे हैं। उसके 6 ईयर्स के बाद बच्चे हुए हैं, लेकिन और देखो ट्विंस हुए ना, ससुराल में उसकी हिस्ट्री थी ट्विंस की, ना मायके में उसकी हिस्ट्री है ट्विंस की। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ट्विंस हुए थे। तो गुरुजी ने जब देना है, उसने पहले मांग मांग के लिया कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, और देखो गुरुजी ने पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और उसके बाद जब गुरुजी ने देना था तो एक की जगह दो दिए, छप्पड़ फाड़ के दिया कहते हैं ना। तो गुरुजी ने जब जिस टाइम पर जो देना है वो देंगे ही देंगे, हमें भी नहीं पता क्या परफेक्ट टाइम है, कब क्या गुरुजी सोच रहे हैं। अगर हम उस लेवल पे आ जाए तो फिर सारे काम ही हम ना करने लग जाए। फिर ऐसी मेरी बुआ है, उनके साथ भी ऐसे हुआ था। 2006 की बात ही मैं बता रही हूँ। उनको हाथ पे बहुत एलर्जी रहती थी, गुरु जी के टाइम की बात ही मैं बता रही हूँ। बहुत एलर्जी रहती थी हर चीज से ना, जैसे उनके हाथ पे इन्फेक्शन हो जाता था, एलर्जिक भी थी, या वैसे भी उनके थोड़े थोड़े टाइम पर जैसे बहुत रफ रफ हैंड्स हो जाते थे, इतने दाने निकल आते थे, सब था। तो उनको बताया फिर किसी ने कि आप गुरु जी के जाए और वहां पे आप सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, आप एक बारी जाए वहां पर। वो एक्चुअली किसी और को मानती थी पहले, तो बुआ ने सोचा चलो एक बारी जाके देख लेते हैं फिर क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया गुरुजी को, सिर्फ बुआ ने वहां पे मत्था टेका गुरुजी के आगे एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी ने क्या बोला उनको छूटते ही, कि ला मैनू अपना हाथ दे दे। और लिटरली गुरुजी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया है, 5-7 मिनट तक दबाया है। और आज इतने साल हो गए हैं, 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उनको आज तक कोई एलर्जी नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। शी इज परफेक्टली फिट एंड फाइन उनको कभी। और यहाँ भी नहीं रहती हैं, वो चेन्नई रहती हैं। वो चेन्नई से स्पेशली जब भी यहाँ आती हैं, वो सबसे पहले बड़े मंदिर जाती हैं, फिर वो कहीं और जाती हैं। तो ये गुरु जी की महिमा है कि बिन, वो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। गुरु जी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गुरु जी कहते हैं कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुम 10% भी अपने ऊपर नहीं ले पा रहे। सोचो हमारे ऊपर 100% आ जाता तो हम फिर कहाँ जाते। फिर अभी तो गुरु जी ने 90% हमारे अपने कष्ट लिए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरी फ्रेंड के घर एक सत्संग था, फर्स्ट टाइम उसने सत्संग करवाना था। तो उसको भी बहुत डर लगता था कि मैं कैसे करवाऊंगी, कैसे क्या होगा, मेरा घर छोटा है, मैं नहीं करवा पाऊंगी। तो मैं उसको बोलती रहती थी कि नहीं करवा ले, गुरु जी ने जिस जिसको बुलाना है ना, कोई बात नहीं, बुला लेंगे, अपने आप देख लेंगे, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। जितनी संगत गुरु जी ने बुलानी होगी, उसका मन बहुत करता था, बट घर की वजह से शायद, या कि मैं कैसे कर पाऊंगी मैनेज, तो इस वजह से वो करवा नहीं पाती थी। मैं उसको हमेशा बोलती थी कि नहीं कुछ नहीं होता, करवा ले, अपने आप गुरु जी है ना, देखेंगे। तो फाइनली वो मान गई, गुरु जी ने आना था उसके घर पे, तो मान गई, सारा अरेंजमेंट वगैरह किया। तो जिस दिन उसके घर सत्संग था, उससे एक दिन पहले गुरुजी उसके ड्रीम में आते हैं। तो उस टाइम भी वो सपने में भी टेंशन में ही थी, कह रहे थे गुरुजी ना मेरी तरफ बैक करके बैठे हुए थे व्हाइट चोले में। तो उस टाइम भी वो टेंशन में ही थी, सपने में भी, कि गुरुजी कैसा होगा, सब संगत आ तो जाएगी ना, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं, जैसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होती है। तो गुरुजी ने आगे से बोला कि देखो गुरुजी, एक एक बच्चे का, एक एक संगत का कितना ध्यान रखते हैं। लिटरली मेरे उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के। गुरुजी ने आगे से बोला कि उन्हों, हमारी रोड की तरफ ऐसे मेरी तरफ इशारा करके बोला कि उन्हों ज्यादा परेशान ना करी, जैसे जो गुरुजी का गद्दी का सामान था या स्वरूप था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करवा रही थी तो उसको इतना पता नहीं था। तो वो मैं अरेंज करके उसको दे रही थी। तो उसने उन्होंने फिर गुरुजी ने उसको बोला कि उन्होंने ज्यादा तंग ना करी, तू जो भी होएगा मैं अपने आप देख लूंगा। तो उस टाइम जब उसने मुझे वो बात बताई, तो सीरियसली मेरे में रोंगटे खड़े हो गए थे कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का, अपने हर एक बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं। तो हम गुरुजी के, सिर्फ इतनी सी बात है, गुरुजी कहते हैं मेरा मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा मेरा मंत्र जाप करो, बच्चों को मेरे मंदिर में अवॉइड करो, बच्चों को गुरुजी घर बैठे ही ब्लेस कर देते हैं। हाँ, जिनकी किसी की मजबूरी है वो जरूर लेके जाते हैं, जिनका पीछे देखने वाला कोई नहीं है, पर जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करोगे, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते हैं। एंड ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी एक, उसको भी एक ड्रीम आया था। बहुत है गुरुजी के सत्संग, तो जब शुरू करने पे आओ तो डेली रूटीन में भी इतनी छोटी 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 बातें होती रहती है, चाहे वो
हमारी प्लेलिस्ट से रिलेटेड हो, हम घर पे सत्संग कराए, हमारी जो हमारी प्लेलिस्ट बनती है सत्संग की भी, वो भी हम नहीं बनाते, हम अरेंज जरूर करते हैं कि हमें ये वाला शब्द चाहिए, हमें वो शब्द चाहिए, बट वो चलते गुरुजी की मर्जी से ही है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गुरुजी का जब प्लेलिस्ट बना रही होती हूँ तो उस टाइम पर मैं सोचती कुछ और हूँ, लेकिन उस टाइम पर चलते कुछ और है, वो खराब ही हो जाएगी, पेन ड्राइव भी खराब हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं पेन ड्राइव जो वो, क्योंकि गुरुजी ने वो शब्द चलाने ही नहीं है, गुरुजी ने वही चलाना है जो उन्होंने सुनना है। और गुरुजी बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल महाशिव हैं, उनको ये बिल्कुल भी फैंसी चीजें या फिर जो आजकल हम गुरुजी की इतनी फैंसी फैंसी डेकोरेशन करते हैं, गदियां लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, गुरुजी बहुत सिंपल सोबर है, उनको सादगी ही पसंद है। कोशिश करिए कि जितना सिंपल काम हो सके गुरुजी उसमें ही खुश रहते हैं, उनको ये हैवी डेकोरेशंस, महंगे फ्लावर्स, बुके, गुरुजी भाव देखते हैं, गुरुजी डेकोरेशंस नहीं देखते, वो इतने सिंपल है ना कि वो आप जब एक बार गुरुजी से वन टू, गुरुजी कहते हैं ना वन टू वन कॉन्वर्सेशन करो, किसी और से मत पूछो कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे तो इस तो ये अब मैं क्या करूं, आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, गुरुजी लिटरली आपकी बातों का जवाब देते हैं, आप या तो मैसेज के थ्रू देंगे या किसी ना किसी का फोन आ जाएगा आपके पास वो मैसेज के लिए। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, एन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं और उसी टाइम मैसेज आ जाता है या कोई ना कोई उस बात पे हमें कॉल कर देता है कि हाँ ये बात है। ऐसी मेरी फ्रेंड है, उनको एक बारी मेरे घर का ड्रीम आया था, हालांकि मेरी उनसे कोई इतनी बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनको सीरियसली मेरे घर का ड्रीम आया था कि मेरे घर में सारी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, काफी सारे गेस्ट आए हुए थे और मेरे घर पे रुद्र अभिषेक हो रहा था। मैं जब मंदिर में कभी रुद्र अभिषेक हमारे होता था तो मैं लिटरली सोचती थी कि मेरा भी बहुत बारी मन करता है रुद्र अभिषेक करवाने का, बट जब, और हालत आप मानेंगे नहीं, आई थिंक 1 वीक या 10 डेज के बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मैंने ड्रीम में देखा है कि तेरे घर में रुद्र अभिषेक हो रहा है और वहां पे प्रॉपर गुरुजी के सारे वो मंत्र जाप शब्द सब चल रहे हैं वहां पर। और उसने मेरे को उस टाइम पर, अभी तो खैर मुझे ध्यान नहीं है, उसने कोई एक दो शब्द भी बताए थे कि उस टाइम पर वो भी चल रहे थे। तो गुरुजी हर बच्चे का, हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं, बस जरूरत है तो गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की, गुरुजी से बैठ के बातें करो, वो लिटरली आपकी बातों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं ना महाशिव है, महाशिव बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं वो। आप उनको जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा भी भोला होता है, वो अपनी माँ से सारी चीजें शेयर करता है, सारी चीजें बताता है, और हम बच्चे भी हम माँ को कन्विंस कर लेते हैं, अगर वो कुछ चीज चाहते हैं अपनी मदर से तो वो कन्विंस कर लेते हैं हमको। सेम वे अगर आप गुरुजी के सामने अपनी कोई बात रखोगे, कुछ बोलोगे, तो गुरुजी बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं, अगर वो आपके लिए अच्छा है तो। वो गुरुजी जाने, वो साक्षात इतने बड़े शक्ति हैं कि उनके आगे तो कोई, सब भगवान एक ही हैं, रूप अलग अलग है उनके लेकिन शक्ति एक ही है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ये प्लेटफॉर्म दिया सत्संग करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।